माननीय डॉक्टर चंद्रमणि दीक्षित जी, मामा जी उपस्थित, देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल ने जो मेरा मेरे द्वारा भारतीय दूतावास का और मेरे देश का जो सम्मान और स्वागत यहाँ किया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे से पहले जो वक्ता उनका भाषण सुनने के बाद मैं कहीं ना कहीं अपने मन में थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित हूं। ना मैं धर्म के बारे में बोल सकता हूं, ना मैं साइंस के बारे में डॉक्टर चंद्रमणि दीक्षित की तरह बोल सकता हूं, और जो रेविड जी ने संस्कृति का उल्लेख किया ना मैं उसके बारे में विद्वानता के की तरह बोल सकता हूँ, विद्वान की तरह बोल सकता हूँ। तो थोड़ी समस्या तो है क्योंकि जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मन में यही सोच के आ रहा था कि ये तो जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल का प्रोग्राम है, जनजाति से जुड़े हुए इनके छात्रावास में जो विद्यार्थी हैं उनका वार्षिक प्रोग्राम है। ये मैंने कभी कदापि अपेक्षा नहीं की थी कि ये आज का वार्तालाप जो है धर्म, संस्कृति और साइंस पर केंद्रित होगा। तो मैं क्षमा चाहूँगा यदि मेरे वक्तव्य में ना आपको धर्म दिखे, ना आपको संस्कृति दिखे, ना आपको साइंस दिखे। मैं यहाँ पर भारतीय राजदूत की तरह काम करता हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार में हर किसी राजदूत का, खासतौर पे भारतीय राजदूत का, एक ही कर्म है और वही कर्म उसका धर्म है, और वो है भारत तथा नेपाल दोनों समाजों के बीच, दोनों देशों के बीच के संबंधों का विस्तार, उनकी प्रगति, उनका सशक्तिकरण, उनका बहुव्यापी स्वरूप, उसको आगे बढ़ाना ही वही एक कर्म है। और मेरे लिए वही एकमात्र धर्म है। मेरे कई धर्म, मेरा एक व्यक्तिगत धर्म है, मेरा एक पारिवारिक धर्म है, मेरा एक सामाजिक धर्म है, मेरा एक राष्ट्रीय धर्म भी है, लेकिन एक भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में एकमात्र कर्म, एकमात्र धर्म दोनों देशों के संबंधों का विकास, प्रगति, वही एक मेरा मात्र उद्देश्य है। भारत नेपाल संबंधों के बारे में आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी परिभाषाएं, उतनी डिटेल्स आपको मिलेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समझ में यदि पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई दो देश ऐसे हैं जिनके संबंधों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो हैं भारत नेपाल के संबंध। मैं स्वयं भी काफी प्रयास कर चुका हूं इनको परिभाषित करने का, लेकिन ये प्रयास केवल असफलता में ही सफल होगा। ये हमारे संबंध
देश के भी हैं, समाज के भी हैं, साइंस के भी हैं, संस्कार के भी हैं, संस्कृति के भी हैं। मैं धर्म को कहीं ना कहीं संस्कृति का भाग मानता हूं, क्योंकि जब संस्कृति को एक साइंस की तरह पढ़ा जाता है तो धर्म उसका एक भाग बन के सामने आता है। हमारे संबंध बहुव्यापी भी हैं, एक प्रकार से सर्वव्यापी भी हैं, परिवार के भी हैं, समाज के भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं। मेरे हिसाब से मानव क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, किसी प्रकार की हों, दिनचर्या की हों, लगभग हर गतिविधि को आपको कोई ना कोई स्वरूप दोनों देशों के संबंधों में मिलेगा। पशुपतिनाथ से विश्वनाथ, सेतो मच्छिंद्रनाथ से गोरखनाथ, कोई इसकी सीमा नहीं है। ये पुराने भी हैं, ये नए भी हैं। ये एक प्रकार से, जैसे रिबिट भाई साहब ने पहले कहा कि संस्कृति की जो निरंतरता होती है, उस निरंतरता के उत्तराधिकारी यहां सब उपस्थिति गण है। मैं यही कहूंगा कि जो हमारे संबंधों की भी निरंतरता है, न केवल यहां पर उपस्थित गणमान्य लोग और हमारे दोनों समाज उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उनके विकास में क्या एक सकारात्मक भूमि, क्या उसमें रोल प्ले किया जाए, उसके लिए में भी एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी योगदान के पात्र हैं। इन संबंधों की प्रगति के लिए, जिसमें सर्वप्रथम और मुख्य उद्देश्य है जनता, जन समाज को, एक दूसरे देशों के जन समाज को, न केवल उनके जो एक प्रकार से समानताएं हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके संबंधों को आगे बढ़ाना, बल्कि किस प्रकार हमारी गतिविधियां दोनों समाजों के लिए एक प्रकार से विकास का मार्ग प्रशस्त करें, उस पर हमारी मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य दृष्टि रही है। यदि आप भारत नेपाल संबंधों के का स्वरूप देखें, उसमें हमेशा मुख्यतः जनता पर जो है, जन सामान्य के संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से केंद्रित होकर उन पर काम किया गया है। और इसके कई स्वरूप हैं, सभी स्वरूपों की व्याख्या तो यहां करना संभव नहीं है, किंतु एक जो मुख्य स्वरूप सबसे बढ़ के सामने आता है वो है जिसके बारे में जनजाति कल्याण आश्रम काफी प्रबलता से और प्रखाड़ता से काम करता है, वो है शिक्षा का क्षेत्र। चाहे वो स्कॉलरशिप्स का मार्ग हो, चाहे वो छात्रवृत्ति, चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, एजुकेशन लिंकेजेस का जो सवाल हो, नेपाली नागरिक जो कि भारत में पढ़ते हैं, पढ़ के आके फिर अपने समाज में जो योगदान करते हैं, उनके नेटवर्क का बात हो, हमारे हिसाब से शिक्षा जो है दोनों समाजों को जोड़ने का एक बहुत ही प्रबल और प्रखाड़ माध्यम है। और उस संदर्भ में जो जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल में जो कार्य कर रहा है जनजाति समाज से जुड़ते हुए, आई थिंक वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उदाहरणीय है। जो अभी मेरे से पहले वाले वक्ता जिस प्रकार से अनुदान जो आप उपस्थित जनमान्य गणों ने छात्रों के प्रति ना व्यक्त किया, वो निहायत ही प्रशंसनीय है। वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रतिबद्धता का, कटिबद्धता का,
कि किस प्रकार से नेपाली का समाज अपने ही देश की जनजाति कल्याण, अपने ही जन समाज के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे संबंधों में भी जब जहां जहां जन समाज के संबंधों की बात आती है, ये हमेशा एक मुख्य स्थान रहा है, रहेगा। इस प्रकार से कई अन्य क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, जिसका भी सबसे जो उदाहरण, सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो है वो COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन सामान्य COVID-19 की समस्या से बाहर निकले, आर्थिक गतिविधि और अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर जनजाति समाज कल्याण क्षेत्र नेपाल का, गणमान्य अतिथिगणों का, मेरे को जो स्वागत भाव से मेरा जो सत्कार हुआ उसके लिए, और आज सुबह शनिवार होते हुए भी यहाँ उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को एक बार फिर अपनी तरफ से तथा अपने दूतावास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।